कॉन्फ्रेंस तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में जो रूल्स फोर्स है चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन। चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन का रूल फोर हम लोग करने वाले हैं। तो इस रूल्स को जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए और इसको नोटबुक में आप लिख लीजिए और मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो सीरियल नंबर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, किस दिन आपका सर्विस कंप्लीट हो रहा है। डेट ऑफ इनवॉइस, किस दिन आपका बिल इश्यू हो रहा है, इनवॉइस हो रहा है। डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, किस दिन आपने पेमेंट किया और किस दिन पेमेंट हुआ, एग्जैक्टली हुआ, ओके। एंड इफेक्टिव रेट क्या आएगा। तो ऐसे आप कॉलम कर लीजिए, कॉलम करके आप कॉलम कर लीजिए, मैंने किया नहीं है, आप ऐसे कॉलम में लिख लीजिए, ओके। देन इसके नीचे आप ऐसे कॉलम में कर लीजिएगा, ओके। फिर आप सीरियल वाइज करेंगे तो सीरियल नंबर वन में क्या बोला है, अगर डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ सर्विस बिफोर चेंज आता है और डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर चेंज है, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव आफ्टर चेंज है। अभी आप देखो ये दोनों में से सब ज्यादा कौन सा आया है। आफ्टर चेंज कितनी बार आया है, दो बार आया है। बिफोर एक बार आया है, तो मतलब अगर आफ्टर दो बार आता है तो उसको न्यू रेट बोलेंगे। बिफोर अगर दो बार आता है, अगर बिफोर ज्यादा आता है और आफ्टर एक बार आता है, बिफोर दो बार आता है आफ्टर एक बार आता है तो उसे ओल्ड रेट बोलेंगे। अभी यहाँ पे देखो बिफोर चेंज आफ्टर चेंज आफ्टर चेंज, तो आपका आफ्टर दो बार आ रहा है मतलब आपका न्यू रेट होगा। आफ्टर चेंज बिफोर चेंज आफ्टर चेंज, अब यहाँ पे दो बार आफ्टर आ रहा है मतलब आपका न्यू रेट होगा। आफ्टर चेंज बिफोर चेंज बिफोर चेंज, यहाँ पे आपका बिफोर दो बार आया है इट मीन्स ओल्ड रेट होगा। आफ्टर चेंज बिफोर चेंज, आफ्टर आपका दो बार आया है यहाँ पे, आफ्टर दो बार आया है तो आपका क्या होगा, न्यू रेट होगा। तो समझ गए, आफ्टर अगर दो बार आता है, ज्यादा बार आता है, कितनी भी बार आए तो आपका क्या होगा, न्यू रेट रहेगा। अगर बिफोर दो बार आता है, बिफोर सबसे ज्यादा टाइम आता है तो उसको बोलेंगे ओल्ड रेट। तो समझ गए ओल्ड और बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर का चक्कर क्या है। तो ये जो बिफोर आफ्टर है ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि अगर ज्यादा आफ्टर आता है तो न्यू रेट बोलेंगे, अगर बिफोर ज्यादा आता है तो ओल्ड रेट बोलेंगे, बस। अब हम एक दो सम करते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको समझेगा कि कैसे करना है। तो आपने आई होप नोटबुक में लिख लिया रहेगा। तो अभी हम सम करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 मनन प्रकाशन की बुक मैंने ली है, आप ले सकते हैं, पेज नंबर 93। क्वेश्चन नंबर इज इलस्ट्रेशन इज 9 एंड रूल्स 4 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ते, मिस्टर राजेश सिंगला इज इंगेज इज इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस, सर्विस टैक्स वॉज चार्जेबल एट द रेट ऑफ रुपीज 14.50% अप टू 30 मई 2016। हाउएवर विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 द रेट ऑफ सर्विस टैक्स हैज बीन इंक्रीज टू 15%। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एज वेल एज कॉन्सिक्वेंट एप्लीकेबल रेट ऑफ सर्विस टैक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेस। यहाँ पे आपका बोला है कि राजेश सिंगला इंगेज प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस, टैक्स सर्विस जो सर्विस टैक्स है वो चार्जेबल एट द रेट ऑफ 14.50%। मतलब पहले कितने का चार्ज होता था सर्विस टैक्स, 14.50%, इट मीन्स इट इज अ ओल्ड रेट, ये ओल्ड रेट प्रोवाइड किया गया है। अप टू 30 मई 2016, मतलब 30 मई 2016 तक कितना था, 14.50% ओल्ड रेट था। अब हाउएवर विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जून, और 1 जून 2016 से अब सर्विस टैक्स कितना इंक्रीज हो गया है, कितना मतलब अभी करंट सर्विस टैक्स कितना चालू हो रहा है, तो 15% अभी न्यू रेट चालू है उसका 15%। आपको समझ गए रहेगा ओल्ड रेट क्या है, ओल्ड रेट यहाँ पे डेट दी हुई है, तो आपका ये है विद द इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कि अभी आपका न्यू रेट आ गया 15%। ये तो समझ गए आपको। अभी आप क्वेश्चन देखिए, केस वन
1, 2, 3 दिया है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब आप इसमें देखो कि आपका जो ये डेट है अभी यहाँ पे 25 मई 2016 दिया है, और 25 मई 2016 दिया है ओके, और आपका फर्स्ट जून 2016 को आपका विद द न्यू रेट आ रहा है, कभी फर्स्ट जून को तो न्यू रेट आपका आफ्टर में जाएगा, ओल्ड रेट आपका 14.50% जो है वो आपका बिफोर रेट हो जाएगा, बिफोर को हम ओल्ड कंसीडर करेंगे। तो अभी आप देखो कि आपका 25 मई 2016 और यहाँ पे 30 मई 2016, इट मीन्स ओल्ड डेट है, कंपेयर तो इधर से ही हो रहा है ना, तो ये बिफोर हो जाएगा। आपको इसमें देखना है बिफोर डेट कौन सी है और आफ्टर डेट कौन सी है। आपका यहाँ पे 30 मई 2016 बिफोर डेट है और यहाँ पे मई मंथ में ही 25 मई 2016, इट मीन्स इट इज अ बिफोर डे, बिफोर अगर आता है तो वो ओल्ड होगा, तो ये बिफोर है। यहाँ पे 3rd जून मतलब फर्स्ट विद इफेक्ट कभी आ रहा है 1st जून को, तो ये आफ्टर हो जाएगा, और 9 जून मतलब ये भी आफ्टर हो जाएगा। तो डेट देखने से हमको पता चला कि बिफोर कौन सा है आफ्टर कौन सा है, तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये आफ्टर है। अगर दो बार आफ्टर आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो बार आफ्टर आएगा तो आपका न्यू रेट होगा, तो न्यू रेट आपका कौन सा है 15%, तो आपका ये 15% आएगा। नेक्स्ट 6 जून 2016, आपका न्यू रेट का डेट कब है, 1st जून मतलब जून के ही मंथ में आ रहा है, तो आपका ये आफ्टर हो जाएगा डेट। 28 मई, इट मीन्स इट इज अ बिफोर डेट, एंड 7 जून, इट मीन्स इट इज आफ्टर डेट। तो दो कितनी बार आफ्टर आ गया, दो बार आफ्टर आया, इट मीन्स आपका 15% रेट हो जाएगा। 50% क्यों, क्योंकि न्यू रेट कंसिडर करेंगे। देन 26 मई 2016 मई में है, इट मीन्स इट इज अ बिफोर डेट। 28 मई 2016, इट मीन्स इट इज अ बिफोर मई, एंड 12 जून 2016, इट मीन्स इट इज अ आफ्टर डेट। ओके, तो कितनी बार बिफोर आया, बिफोर 2 टाइम आया है, इट मीन्स इट इज अ ओल्ड रेट कंसीडर करेंगे, तो 14.50 ये रेट हम लोग लेंगे बिकॉज इट इज अ ओल्ड रेट। तो यही हो गया, यही तो आंसर है। और आपको मैंने पहले स्टार्टिंग के वीडियो में सर्विस टैक्स के में बोला था कि आपको सब में डेट का ही चक्कर है, आपको डेट को समझना होगा, यहाँ पे डेट ही आपको लिखना है। तो ऐसे अब इसको आंसर कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं कि इसी में। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ आपको। तो अभी आपने जैसा लिखा तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग में आप लिखोगे एप्लीकेशन रेट ऑफ टैक्सेशन लिखोगे, एंड रूल फोर लिखा आपने, देन एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स लिखोगे, देन नोट लिखोगे। नोट क्यों लिखना है ये भी बताऊंगी, बिकॉज जो ये नोट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस डेट को ओल्ड रेट है एंड इस डेट को न्यू रेट है, तो जो आपका इधर है ना वही आपको नोट्स में लिखना है। कैसे लिखना है, सर्विस टैक्स वॉज चार्जेबल, ये देखिए सर्विस टैक्स वॉज चार्जेबल एट द रेट 14.50 अप टू 30 मई 2016। हाउएवर विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st जून 2016, हाउएवर विद द इफेक्ट ऑन 1st जून 2016, द रेट ऑफ सर्विस टैक्स हैज बीन इंक्रीज्ड 15%, द सर्विस टैक्स रेट हैज बीन इंक्रीज्ड 15%। बस इतना आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपका जब नोट्स आएगा तो आपको ऐसे नोट्स करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसा लिखोगे, देन ऐसे गछड़ी गछड़ी मत करना, सीरियल नंबर लिखिएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लिखिएगा, डेट ऑफ इनवॉइस लिखना, देन डेट ऑफ पेमेंट लिखना कि किस दिन आपका पेमेंट हो रहा है, और फिर इफेक्ट टैक्स रेट लिखना, इफेक्ट टैक्स रेट कि आपका इफेक्ट टैक्स रेट क्या है ये कॉलम में, एंड रीजन लिखना। ओके, देन ये लिखने के बाद
आपको लिखना है, इधर दिया हुआ है डेट, केस वन हमने लिख दिया सीरियल नंबर में, केस वन, केस वन में है और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है, ये डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इसमें 25 में 2016 आपका डेट लिखोगे। देन डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इनवॉइस, तो आपका डेट ऑफ इनवॉइस डेट कितना है, 3 जून 2016, तो आपने लिख दिया 3 जून 2016। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट जो भी है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट 9 जून 2016 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 9 जून 2016। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सेम ऐसे कॉलम में लिख देना है। आफ्टर दैट इफेक्ट रेट लिखना है और रीजन लिखना है, एक्स्ट्रा को दो कॉलम बढ़ा देने हैं। अभी आपको पता करना पड़ेगा कि, तो मैंने पहले बताया कि आपका क्या कितना आएगा, तो आपने कर लिया रहेगा साइट में या फिर अब पेज में। अब आप देखिए कि आपका बिफोर डेट और बिफोर डेट आफ्टर डेट कितना आया है, तो आपका आफ्टर दो टाइम आया था, तो आपने आफ्टर दो टाइम, दो टाइम मतलब कि आपका न्यू रेट, न्यू रेट कितना है, 15% इज न्यू रेट, तो आप लिखोगे यहाँ पे 15%। अब आप रीजन में क्या लिखोगे, सिंस इनवॉइस इश्यू पेमेंट रिसीव आफ्टर द 1st June 2016 एंड देयरफॉर टैक्स रेट इज इक्वल टू न्यू रेट। यहाँ पे सिंस इनवॉइस इश्यू पेमेंट रिसीव आफ्टर द, मतलब कि जो आफ्टर की डेट है तभी आपका हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई न्यू रेट आपका आंसर आएगा, ऐसा आपको रीजन में लिखना है, सेम एज इट इज लिखना है। सेकेंड डेट इज, सेकेंड केस लिखेंगे, सेकेंड केस आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है 6 जून 2016, लिख दिया 6 जून 2016। देन डेट ऑफ इनवॉइस इज 28 मई 2016, आपने लिख दिया 28 मई 2016। देन आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट डेट इज 7 जून 2016, आपने लिख दिया 7 जून 2016। अब आप यहाँ पे डेट में देखोगे तो आपका ओल्ड डेट क्या है, बिफोर डेट आपका मई में आता है, तो 28 मई है, और यहाँ पे जून और जून का मंथ तो आफ्टर आएगा, इट मीन्स की ये भी डेट 6 जून आफ्टर आएगा, 28 बिफोर आएगा एंड 7 जून आफ्टर आएगा। इट मीन्स कि दो बार आपका आफ्टर आ रहा है, आफ्टर अगर दो बार आ रहा है तो आपका न्यू रेट कंसीडर किया जाएगा, न्यू रेट आपका 15% है, तो आपने 50% लिख दिया। रीजन में लिखोगे डेट, सिंस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ पेमेंट रिसीव आफ्टर 1st June 2016 एंड देयरफॉर इफेक्टिव रेट टैक्स रेट इज इक्वल टू 15%, या फिर न्यू रेट लिख सकते हैं। ओके, देन थर्ड इज, केस थर्ड, 26 मई 2016, तो आपने लिख दिया 26 मई 2016 एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 28 मई 2016 एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज 12 जून 2016, तो आपने लिख दिया। अब आप कंसिडर करोगे कि कितनी बार बिफोर आ रहा है और आफ्टर आ रहा है, 26 मई बिफोर आ रहा है, 28 मई बिफोर आ रहा है एंड 12 जून इज आफ्टर बिकॉज न्यू डेट आ गई। ओके, तो आपका दो बार बिफोर आ रहा है, इट मीन्स कि ओल्ड रेट कंसिडर किया जाएगा, तो आपका ओल्ड रेट कितना है, 14.50%, तो 14.50% या 14.5% कंसिडर किया। और रीजन लिखोगे, सिंस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बिफोर 1st June 2016 एंड देयरफॉर इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू 14.5%। ओके, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, और इसी तरह आपको बोर्ड में भी, एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर लिखना है। थैंक यू, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि उनको भी सर्विस टैक्स क्या है उनको भी समझे और वो लोग भी एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सके। थैंक यू सो मच।